हेलो गाइस, टैलेंट हब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से दिलीप विश्वास बोल रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हम सब शाम प्रोडक्ट फंक्शन का बारे में बहुत कुछ डिटेल्स में जाने थे और बहुत कुछ ट्रिक्स भी सीखे थे। आज फिर से शाम प्रोडक्ट फंक्शन फिर से लाया हूँ। आज नया कुछ ट्रिक्स लाया हूँ, तो एक बार डिटेल्स जाने से पहले एक बार डेमो देख लेते। डेमो में क्या क्या सीखना है एक बार थोड़ा सा हल्का सा डेमो देख लेते। ऐसे भी डेमो में बारे में लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो जो भी है, शाम प्रोडक्ट से हम सब क्या काम कर सकते हैं, लुकअप वैल्यू का भी काम कर सकते हैं। ओके, और क्या सीखना है, यही लुकअप वैल्यू कैसे काम करते हैं, एक टॉपिक हो गया एग्जांपल 4। और एक एग्जांपल सीखना है शाम प्रोडक्ट से पाइवट टेबल का भी काम कर सकते हैं, जो बोले थे पाइवट टेबल का भी शाम प्रोडक्ट से हम सब काम कर सकते हैं। पाइवट टेबल से हम सब क्या करते हैं, एमआईएस रिपोर्ट बनाते हैं, तो हम सब शाम प्रोडक्ट से भी एमआईएस रिपोर्ट वगैरह बना सकते हैं। तो आज देखना है, तो सबसे पहले हम सब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम सब टॉपिक में आते हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू हम सब डिस्कस करते हैं, कैसे लुकअप वैल्यू हम सब शाम प्रोडक्ट से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एमआईएस डेटा दिया हुआ है, नाम है और 3 महीना का सेल्स डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, अभी हम सबको लुकअप वैल्यू से क्या सर्च करना है, किसी का भी नाम लिखेंगे, कौन सा महीना में कौन बंदा कैसे सेल किया उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो हम सब सर्च करना है। तो हम सब क्या करना है, शाम प्रोडक्ट से भी हम सब सर्चिंग कर सकते हैं। तो करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, शाम प्रोडक्ट वाला फंक्शन लगा लेना है, टैप प्रेस करना है तो शाम प्रोडक्ट फंक्शन आ जाएगा। अभी हम सब बोले थे जब भी कंडीशन लगाना है तो 2 ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि ये एरे फंक्शन है, तो लगा दिए। ठीक है, सबसे पहला है कहाँ से सर्च करना है, तो हम सब पूरा डेटा को सिलेक्शन करना है, वो भी पूरा डेटा जो मुझे चाहिए। तो क्या चाहिए, सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो मुझे सिर्फ सेल्स रिपोर्ट ही हम सब सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, जो सेल्स वाला जो डेटा है उसी को मैं सिलेक्शन किया हूँ। तो पहला कंडीशन हो गया, यहाँ से सर्च करना है। तो हम ये अभी क्या करना है, अभी लॉजिक भी लगाना है। तो एरे फंक्शन को सेपरेट करने के लिए हम सब बोले थे एस्टिक लगाना है, ब्रैकेट ओपन कर दिए, पहला लॉजिक हम सब पहला कंडीशन लगाते हैं। नंबर यहाँ पर नाम से सर्च करना है, तो नाम कहाँ पर है, इसी कलम में है, तो पूरा नाम को हम सब सिलेक्शन कर लिए। ठीक है, नाम में क्या मैच कराना है, नाम में इज इक्वल टू नाम जो पूरा डेटा में नाम में नाम ही मैच कराना है, तो करा दिए, पहला कंडीशन मेरा कंप्लीट। अभी दूसरा कंडीशन करते हैं, वही एस्टिक लगा के सेपरेट कर दिए एरे फंक्शन को, ब्रैकेट ओपन। दूसरा कंडीशन में क्या है, मंथ है, तो मंथ कहाँ पर है, मंथ मेरा हेडिंग में है, तो ये जो जनवरी से मार्च तक जो मंथ दिया हुआ है उसको सिलेक्शन कर लिए। अभी इसी मंथ को कहाँ पर मैच कराना है, यहाँ पर जो डेटा बना के रखे हैं मंथ में, इसको भी मैच कराना है। अभी कर्सर से हम सब इसको सिलेक्शन कर नहीं पा रहे हैं, तो इसको सिलेक्शन कैसे करना है, एक तो आप मैनुअली लिख सकते हो, इसका मतलब है B12 मैनुअली लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर कर्सर को क्लिक करो, थोड़ा नीचे आ जाओ, तो क्या होगा, B12 हो जाएगा। तो हम सब सिलेक्शन कर लिए, ठीक है ना, मंथ का साथ मंथ को मैच करा दिए, तो सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट। और जो शाम प्रोडक्ट वाला भी जो फंक्शन ओपन किए थे उसको भी बंद करा देते हैं, एक बार देख लेते हैं आंसर मेरा दिखा रहा है कि नहीं, एंटर कर दिए। अभी जब एंटर किया हूं तो आंसर मेरा आ चुका है, एक बार देखते हैं सौरभ मार्च महीना में सही से आंसर दिया है कि नहीं, सौरभ मार्च महीना में कितना सेल किया, एकदम सही आंसर दिखा रहा है। अभी सौरभ को चेंज करके मैं कोई अलग ले लेता हूँ, जैसे धोनी में आ जाता हूँ, धोनी को देखता हूँ फरवरी महीना में सर्चिंग हो रहा है कि नहीं, धोनी 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 फरवरी महीना, एकदम सही आंसर दे रहा है। तो आप सब देख सकते हैं शाम प्रोडक्ट फंक्शन को हम सब लुकअप वैल्यू जैसा काम करा सकते हैं, तो ये बहुत स्मार्ट फंक्शन है ना। तो एक तो एग्जाम्पल 4 हम सब डिस्कस कर लिए, एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला दिखा देते हैं, एक सामने ही है फॉर्मूला, एक बार आप सब पॉज करके देख लीजिएगा फॉर्मूला, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम सब देखते हैं जो शाम प्रोडक्ट फंक्शन से भी हम सब पाइवट टेबल जैसा एमआईएस बना सकते हैं, एक बार देखते हैं कैसे एमआईएस बनाए हो। ये मेरा डेटा है, ठीक है, पहले एक बार डेटा को देख लीजिए, डेट दिया हुआ है 2019-2020 का सेल्स रिपोर्ट है, मेरा प्रोडक्ट नेम रीजन क्वांटिटी रेट और टोटल सेल्स दिया हुआ है जो भी है। और नीचे जाते हैं, नीचे में जाके देख लेते हैं क्या रिपोर्ट हम सब बनाए हैं, ये यहाँ पर एक छोटा सा रिपोर्ट हम सब बनाए हैं। ठीक है, 2019 में कौन सा रीजन में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है या नहीं हुआ है, पूरा डिटेल्स है। अभी इसको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रखे, अभी जब 2020 क्लिक करोगे तो पूरा 2020 का रिकॉर्ड आ चुका है मेरा पास। साथ में क्या हो रहा है, एक चार्ट भी हम सब बना के रखे,
चार्ट जैसे बनाते हैं, इंसर्ट चार्ट जैसे बनाते हुई है, बट ये जो रिपोर्ट में बनाए हूँ ये कैसे बनाए हुए, ये टोटली साम पुटा फंक्शन लगा के बनाए हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बनाए, इसको हम सब आज का टॉपिक पाइवट टेबल जैसा एमआईएस कैसे बनाते हैं, साम पुटा से साम पुटा फंक्शन लगा के हम सब देखेंगे। ओके, तो एक बार ऐसे एक पैटर्न में बना के रखा हूँ, नेक्स्ट सीट में बना के रखा हूँ, सेम डेटा है मेरा पास, सेम डेटा है और एक पैटर्न में बना के रखा हूँ, हम सब देख सकते हैं, ऐसे एक पैटर्न है मेरा पास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जैसे हुआ है, और प्रोडक्ट वाला लेफ्ट में प्रोडक्ट दिया हुआ है और यहाँ पर साल दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, तो हम सब क्या बोले साम प्रोडक्ट फंक्शन से बना सकते हैं, तो शुरू करते हैं। तो हम सब सबसे पहले यहाँ पर साम प्रोडक्ट फंक्शन लगा लेते हैं, साम प्रोडक्ट फंक्शन लगा दिए, अभी एरे है तो दो पैकेट ओपन कर दिए। तो एरे अभी क्या करना है, टोटल सेल्स रिपोर्ट निकालना है, तो टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं, इसको भी ले सकते हैं नहीं तो इसी को ले लेते हैं, है ना, क्योंकि स्मार्ट फंक्शन है, टोटली मल्टीप्लाई भी करेगा साम भी कर देता है। तो क्वांटिटी ले लिए, क्वांटिटी इनटू किसका साथ मल्टीप्लाई करना है, रेट का साथ, रेट या प्राइस का साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा मेरा टोटल सेल्स आ जाएगा। तो एक तो हो गया टोटल सेल्स तो ले लिए, अभी कंडीशन से एसटी करके ब्रैकेट ओपन करके हम सब कंडीशन लगाना है। सबसे पहला कंडीशन कोई सा भी कंडीशन ले सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट वाला ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट का टोटल सेल्स रिपोर्ट निकालना है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट का कितना सेल्स है, तो कैसे निकालना है, तो प्रोडक्ट कहाँ पर है, प्रोडक्ट नेम में है, पूरा प्रोडक्ट को सिलेक्शन कर लिए। और एक काम करना है, जब भी हम सब इसमें क्या करना है ना, ड्रैग करना है, ड्रैग जब भी करोगे ना तो सब कुछ लॉक करके रखना होता है, रेंज जो होता है रेंज को लॉक करना पड़ता है, तो ये जो रेंज है इसको थोड़ा सा लॉक कर देते हैं, F4 फंक्शन से लॉक कर देते हैं, आशा करते हैं आप सबको पता ही होगा F4 फंक्शन से लॉक करते हैं, ठीक है। तो इसको सिलेक्शन करके हम सब क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉक कर देंगे, F4 फंक्शन लॉक कर दिए, इसको भी जो रेंज लिए थे रेंज को लॉक करना है, F4 फंक्शन से लॉक कर दिए, ठीक है। अभी जो प्रोडक्ट वाला जो नेम सिलेक्शन किए थे पूरा डेटा कहाँ से मैच कराना है, मैच कराना है ए वाला प्रोडक्ट से मैच कराना है, ए वाला प्रोडक्ट को ले लिए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, हम सब कैसे ड्रैग करेंगे, इसको नीचे ड्रैग करेंगे और इधर लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट है ना लेफ्ट साइड में जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इसका क्या है, ये जो ए है, ए मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कलम है, ए वाला कलम सबके लिए कॉमन है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट है सबके लिए ए वाला जो कलम है सबके लिए कॉमन है, बट रो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम सबको पता ही होगा जो कॉमन रहता है उसको क्या करते हैं, हम सब लॉक कर देते हैं, लॉक, तो ए मेरा कॉमन है, ए को क्या करना है, लॉक करना है, सिर्फ ओनली कलम को, तो F4 प्रेस करना है, बोथ साइड लॉक हुआ है मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस हुआ है, फिर से F4 करना है, मिक्स रेफरेंस हुआ है वो भी रो लॉक हुआ है, अब फिर से F4 करना है, तो मेरा क्या हो गया, कलम लॉक हो चुका है, ठीक है। तो पहला कंडीशन हो गया, ब्रैकेट बंद, फिर से और एक कंडीशन लगाना है, तो सेपरेट कर लिए, ब्रैकेट ओपन, दूसरा कंडीशन करते हैं रीजन वाला, तो रीजन मेरा कहां पर है, रीजन वाला डेटा मेरा कहां पर है, हेडिंग में दिया हुआ, जैसे कि इसी कलम में है, तो कलम वाला पूरा रीजन ले लेते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस किया हूं, सिलेक्शन हो गया, इसको लॉक कर देते हैं, F4 फंक्शन से लॉक कर देते हैं, इज इक्वल टू रीजन को कहां पर मैच कराना है, यहां पर जो रीजन लिख के रखे थे इसको मैच कराना है, बट ये जो रीजन जो लिखा हुआ है, ये जो रो 34 ये सबके लिए कॉमन है ना, बट कलम चेंज हो रहा है, तो जो कॉमन है उसको लॉक करना है, मतलब 34 जो रो है उसको लॉक करना है, F4 तो लॉक कर दिया, 34 को लॉक कर, मतलब जिसका अगर डॉलर सिंबल है वो लॉक होता है, मतलब 34 का अगर डॉलर है मतलब रो लॉक हो चुका है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन भी हो गया, फिर से सेपरेट कर दिया, फिर से सेपरेट करके ब्रैकेट ओपन कर दिया, अभी क्या करना है, साल, ये जो साल जो दिया हुआ है ना, साल को कहां पर मैच कराना है, यहां पर जो डेट लिखा हुआ है इसका साथ मैच कराना है, बट इसमें तो मेरा वहां पर साल 2019-2020 लिखा हुआ है बस, बट यहाँ पर तो ऐसे लिखा नहीं है, यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, डेट में लिखा हुआ है, तो इसको डेट को हम सब क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ साल को पिक करेंगे, लास्ट वीडियो में भी हम सब दिखाए थे मंथ को कैसे पिक करते हैं मंथ फंक्शन लगा के, तो यहाँ पर भी सेम है, यार फंक्शन लगा के हम सब पिक करेंगे, यार फंक्शन लगा दिए, अभी जो पूरा डेट है डेट वाला पूरा डेटा को सिलेक्शन कर लिए, F4 से लॉक कर देता हूँ, लॉक हो गया, अभी इसमें इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से साल पिक कर लेगा 2019 या 2020 जो भी है पिक कर लेगा, ठीक है। इजिकल टू उसके साथ क्या मैच कराना है, उसी का साथ मैच कराना है ए वाला साल, अभी ए वाला सेल तो साल तो एक ही सेल में है ना, इधर जाएगा लेफ्ट साइड ना राइट साइड,
तो इसको क्या करना है, टोटली लॉक करना है इसको। ये जो प्लेस है ना, ये जो प्लेस है ये आगे पीछे नहीं हो रहा है, ये एकदम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसको क्या करना है, टोटली लॉक कर देना है। A4 5 माने एब्सोल्यूट रेफरेंस लगा दिए, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन भी हो गया। तो ये जो ER वाला ब्रैकेट है उसको ब्रैकेट बंद करा दिए। अभी साफ प्रोडक्ट वाला जो फंक्शन है उसको भी ब्रैकेट बंद करा दिए। अभी जब एंटर करेंगे तो मेरा आंसर आ चुका है। अभी क्या करना है, इसको राइट साइड में क्लिक ड्रैग कर देना है और इसको ड्रॉप डाउन में भी ड्रैग कर देना है। अभी हम सब देख रहे हैं 2019 का पूरा रिकॉर्ड आ चुका है। एक बार देख लेते हैं सही से आंसर दिया है कि नहीं। 2019 में मॉनिटर 55,000 है कि नहीं, एक बार थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। क्योंकि जो भी रिपोर्ट हम सब निकालते हैं एक बार क्रॉस चेक करेंगे तभी हम सब सेटिस्फाई होते हैं, हाँ सही है। देखते हैं, डेट में जाते हैं। डेट में जाके हम सब सबसे पहले क्या लेते हैं, 2019 वाला ले लेते हैं। जब भी 2019 लिया हूँ, 2019 का रिकॉर्ड आ गया। अभी यहाँ पर क्या देखना है, मॉनिटर देखना है। तो मॉनिटर सिलेक्शन कर लेता हूँ, मॉनिटर आ चुका है। अभी हम सब रिकॉर्ड थोड़ा मैच करा लेते हैं। ईस्ट में क्या दिखा रहा है, 55,000। ये बात देख लीजिए, ईस्ट यहाँ पर है, एक है ईस्ट यहाँ पर है। ये इसको सिलेक्शन कीजिए, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्शन कीजिए। देखिए मेरा यहाँ पर दिखा रहा है 55,000, मतलब एकदम ठीक है। साउथ वाला भी देख लीजिए, ये दो साउथ है, कितना, 1,04,500, 1,04,500 साउथ में है ना, तो सही आंसर दिखा रहा है। नॉर्थ में, नॉर्थ भी दो ही है, दोनों को सिलेक्शन कर लिए, 95,500। तो नॉर्थ वाला भी यही रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो मतलब रिपोर्ट मेरा एकदम सही आ चुका है, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। और एक रिपोर्ट में हम सब थोड़ा सा एक चीज लगाए थे, जो कलर किए थे, जीरो जो है, जीरो को जो भी है हम सब अलग सा कलर दे दिए थे, तो दिखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है। तो इसको कैसे किया हूँ, ये कुछ नहीं है, ये सब एकदम टोटली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसको सिलेक्शन करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में क्या करना है, एकदम जो फास्ट ऑप्शन है ना इसी को ले लेना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें नंबर ले लेते हैं, नंबर में मिनिमम वैल्यू 0 रख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इसको भी नंबर कर देते हैं, नंबर में इसको भी जो 0 है मैक्सिमम कुछ 1 to 1 कुछ कर दिए, ठीक है ना। हमारा 0 से 1 तक जो भी होगा कलर अलग सा कलर हो जाएगा। जो भी कलर है यहाँ पर लगा हुआ है बाई डिफॉल्ट कलर है, एक कलर को आप सब चेंज भी कर सकते हैं, जो अपना मन करे वो कलर आप सब ले सकते हैं, ठीक है। एक कलर आप सब ले सकते हैं, कोई सा भी आप सब ले सकते हैं, जो भी है हम सब ले लिए। ओके करेंगे, अभी ओके किया हूं तो जितना भी 0 है 0 वाला मेरा हाईलाइट हो गया, ठीक है। ये तो 2019 वाला रिकॉर्ड आ चुका है। 2019 का एक MIS रिपोर्ट हम सब बना लिए, कौन सा प्रोडक्ट कैसे सेल हो रहा है, कौन सा रीजन में कैसे हो रहा है। अभी 2020 में जाते हैं, 2020 में भी जाओ, जब भी क्लिक करेंगे 2020 वाला रिकॉर्ड आ गया। और इसका ऊपर क्या बनाए थे, एक चार्ट बनाए थे बगल में, तो हम सब चार्ट बनाते हैं। चार्ट कैसे बनाते हैं, चार्ट पूरा डेटा को सिलेक्शन कर लोगे। अभी क्या करना है, अभी करना है ऑल्ट प्लस एफ वन, ऑल्ट ऑल्ट प्लस एफ वन जो प्रेस करोगे ना, चार्ट का शॉर्टकट की है। देखिए मेरा बगल में चार्ट आ चुका है। अभी चार्ट को थोड़ा सा क्या करना, थोड़ा सा सुंदर कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। अभी सुंदर कैसे करते हैं, डिजाइन में जाओगे, डिजाइन में ब्लैक में इसको चॉइस कर लीजिए, देखिए कितना सुंदर हो गया। और भी थोड़ा सुंदर करना है तो इसमें जाके हम सब क्या कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं, तो हट गया। अभी कौन सा रीजन में कैसे सेल हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड आ चुका है, ठीक है। अभी इसमें और एक चीज लगाए थे, अभी आप सब देख सकते हो सेल्स रिपोर्ट ऑफ 2019। अभी ये जब 2020 को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेल्स रिपोर्ट ऑफ 2020 इसको कैसे लगाए है ना। ये भी छोटा छोटा सा ट्रिक्स है, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं, इसको हम सब कैसे लगाते हैं। पहले इसको इसको डिलीट कर देते हैं। अभी यहाँ पर क्या लिए थे, यहाँ पर एक शेप लिए थे, यहाँ पर ना इंसर्ट करके एक शेप ले लिए थे। यहाँ पर कोई सा भी एक शेप आप सब ले सकते हो, ऐसे एक शेप ले लिए थे, ठीक है, सेप ले लिए। अभी यहाँ यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। यहाँ पर कैसे लॉजिक लगाना है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये भी थोड़ा काम में आएगा। अभी डबल इजिकल टू करके डबल कोटेशन में लिख दीजिए, जो भी लिखना है, जो भी आपको रिपोर्ट में लिखना है वही लिख देता हूँ। सेल्स रिपोर्ट ऑफ 2019 करके अभी क्या किसको से असाइन करना है, असाइन करके ज्वाइन करने के लिए हम सबको पता ही होगा एम्परसन सिंबल जो होता है उसको लगाना पड़ता है। अभी यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाके जो यह है इसको ले लेते हैं। अभी जब एंटर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स रिपोर्ट ऑफ 2020, इसी को क्या करना है, इसी में ऐड कर देना। इसको कैसे ऐड करोगे, इसको सिलेक्शन कर लिए। अभी यहाँ पर इजिकल टू करना है, इजिकल टू इक्वल टू करके इसका ऊपर क्लिक करना है। अभी क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना, बस आ गया मेरा, आ चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, देखने में अच्छा लगेगा और थोड़ा सा और सुंदर कर सकते हैं, है ना।
मिडिल कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अभी कलर वगैरह बैकग्राउंड टैकग्राउंड लगाना है तो लगा सकते हैं, यहाँ पर सुंदर सुंदर बैकग्राउंड है, कोई सा भी एक बैकग्राउंड आप सब दे सकते हैं। बैकग्राउंड दे दिए, शेप का इफेक्ट देना है तो इफेक्ट भी दे सकते हो, ऐसे एक इफेक्ट दे देते हैं। ठीक है, बस मोटा मोटी। अभी फॉन्ट का भी कलर चेंज करना है तो फॉन्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, इसका ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा मान लेते हैं योलो। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो ऐसे क्या कर दिए, ऐसे सुंदर सा एक चार्ट भी बना लिया बगल में, और यहाँ पर डेटा वाइज एक रिपोर्ट भी बना लिए। वो भी कैसे बनाए, यहाँ पर सिर्फ साम पोडा फंक्शन लगा के बनाए, और यहाँ पर थोड़ा कंडीशन फॉर्मेट भी लगा दिए, थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, और बगल में क्या कर दिए एक चार्ट भी बना दिए। तो हम सब देख सकते हैं, 2020 का रिकॉर्ड देखना है तो 2020 का रिकॉर्ड आ जाएगा, चार्ट में भी आ रहा है, डेटा में भी आ रहा है, प्लस 2019 का रिकॉर्ड देखना है तो 2019 का भी रिकॉर्ड आ रहा है। तो कितना सुंदर एक अट्रैक्टिव अट्रैक्शन वाला जो हम सब एमआईएस बना सकते हैं, वो भी सिंपल सा साम प्रोडक्ट फंक्शन लगा के, साम प्रोडक्ट फंक्शन लगा के। एक बार फंक्शन को मैं ओपन कर दिया हूँ, एक बार आप सब पॉज करके देख लीजिएगा कैसे फंक्शन है, एक बार थोड़ा सा डेटा में अपना डेटा में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही है साम प्रोडक्ट वाला फंक्शन कितना काम में आता है। तो पहले वीडियो में भी बोले थे, फिर से आज आज रिपीट कर रहा हूँ, साम प्रोडक्ट हम सबका टाइम सेविंग करता है और इस बहुत एडवांस और डायनामिक फंक्शन है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही खत्म कर रहा हूँ, फिर से जब नया ट्रिक्स मिलेगा फिर से आपका सामने हाजिर हो जाएंगे। तो ओके बाय, ओके गाइस बाय, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आज मेरा मेरा वीडियो यहाँ पर ही मैं बंद कर